चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी फाइन. सो दिस इज योर टीचर पूजा सहानी विद योर बुक ग्रामर ग्लिटर ओडिसी बाय ब्रेन रूट सीरीज. एंड वी हैव रीच्ड ऑन चैप्टर नंबर 18. और चैप्टर नंबर 18 का नाम है बच्चों कॉन्ट्रैक्शंस. सो आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं? चलिए देखते हैं. अ कॉन्ट्रैक्शन इज अ वर्ड that has been formed to shorten a word or group of words. So contraction एक वो word है बच्चों जो बनाया गया है किसी group के word, group of words को या किसी word को छोटा करके लिखने के लिए, short form में लिखने के लिए. जैसे कि I am की short form है ये, I apostrophe का sign है और am. It is, its. They are, we have, do not, don't, she will, she'll, okay? So इस तरह से ये जो सारे words हैं ये हैं इन group of words के contractions. So the apostrophe replaces any letters that are in the original words. So ये apostrophe जो है ये replace कर लेता है इनमें से कुछ original letters को, okay? But they are not in the contractions, okay? तो चलिए आगे चलते हैं. Yes, read the sentences below, fill in the blanks with proper negative contractions. So mom dash find the chocolate, so we had muffins instead. So mom chocolate नहीं ढूंढ सकी तो हमने muffins खा लिए उसकी जगह instead. Nisha was happy that she didn't hurt when she fell off the swing. Grandfather hasn't played golf in about 6 months. Monkey isn't able to climb the tree, but he keeps trying. Meenakshi can't know the surprise party was going to happen. Robbie and Peter haven't cleaned up the porch yet. I guess I understand why we weren't cross by ourselves. The sandwich mom made won't be enough for everybody. So अब इन contractions का meaning पता है आपको बच्चों. इनके real words could not, did not, has not, is not, cannot, have not, were not and will not. Okay? तो चलिए आगे चलते हैं. Now match each contraction on the left. Left में हमें contractions दी हुई हैं और यहाँ पर हमें इनके words दिए हुए हैं, full group of words दिए हुए हैं. सो ये है बच्चों वी हैव कहाँ लिखा है? दिस वन. सो ये है नंबर वन एंड वी विल मैच इट ऑल्सो. वी हैव, आई हैव नंबर टू, सो हम इसे मैच करेंगे. आई हैव, वी विल, दिस इज नंबर थ्री. ओके, इसे नंबर थ्री से मैच कर देंगे. यू आर इज नंबर फोर. यू आर, have not, this is number 5. So इसे match करेंगे. I will, this is number 6. I will, okay? Have not को हम ठीक से match कर देते हैं. Yes. They are कहाँ लिखा है? ये रहा number 7. So they are will go here. She is, this is number 8. She is. I am, this is number 9. अब ये है would not, this is number 10. Would not, do not, number 11. Do not and could not, number 12. Okay? So इस तरह से easy है ना contractions को पहचानना. So please do this with me in your book. Now, this is your provocation exercise, children. Contraction garden. So, ये है हमारा contraction garden.
यूज द वर्ड्स ऑन द लीव्स टू मेक द करेक्ट कॉन्ट्रैक्शन. इन वर्ड्स को हमें यूज करके बनाना है करेक्ट कॉन्ट्रैक्शन. ओके, और इन कॉन्ट्रैक्शन को हमें फ्लावर में लिखना है. कैन नॉट, सो क्या हो जाएगा बच्चों, कांट, राइट. आई विल, आई एपोस्ट्रॉफी डबल एल, आई विल, शी इज, कैसे लिखेंगे, शी एपोस्ट्रॉफी और एस, शी इज. दे आर, कैसे लिखेंगे बच्चों, दे एपोस्ट्रॉफी आर ई. ओके, हेयर इज, हेयर कॉमा एस, हेयर्स. हु हैड, हु कॉमा डी. ओके, दैट विल, दैट कॉमा डबल एल, दैट विल. वॉज नॉट, वॉजन्ट. ओके, एपोस्ट्रॉफी, पहले वॉज, एन एपोस्ट्रॉफी टी. ओके, सो ये ओ हमने रिप्लेस कर दिया एपोस्ट्रॉफी से. सो वी गो अहेड. आई होप कि ये कॉन्ट्रैक्शन चैप्टर बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ दिस इज डी एक्सरसाइज. री राइट द फॉलोइंग यूजिंग शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ कलर्ड वर्ड. अब यहाँ जो कलर्ड वर्ड दिए हुए हैं ना सेंटेंसेस में, हमें इनकी शॉर्ट फॉर्म लिखनी है और इन्हें री राइट करना है. सो प्लीज स्टूडेंट्स, री राइट दिस इन योर नोटबुक. शी डज नॉट वॉन्ट टू मूव टू अनदर सिटी. सो डज नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, शी डजंट, डजंट. ओके, सो यहां पर मैं आपको एक सेंटेंस पूरा लिख के दिखा देती हूं. शी डजंट वॉन्ट टू मूव टू अनदर सिटी. शी डजंट वॉन्ट टू मूव टू अनदर सिटी. The boy in the class was not my brother. So was not को हम लिखेंगे wasn't. Okay? The boy in the class wasn't my brother. We are not working hard. अब आर नॉट को कैसे लिखेंगे, aren't, ए आर ई एन एपोस्ट्रॉफी टी. कैसे लिखेंगे, ए आर ई एन एपोस्ट्रॉफी टी, ये है aren't. The old lady could not cross the road. Could not को लिखेंगे couldn't, couldn't. The old lady couldn't cross the road. सो इस तरह से बच्चों हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे. हमने लिखी है यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सो ये होते हैं कॉन्ट्रैक्शंस जब हम इनको शॉर्ट करके लिखते हैं. ओके, और कुछ वर्ड रिप्लेस हो जाते हैं एपोस्ट्रॉफी के साथ. नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव अ कॉमिक कॉर्नर हियर फ्रॉम योर बुक ग्रामर ग्लिटर ओडिसी बाय ग्रीन रूट सीरीज. और यहाँ हम करने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच. यहाँ पर हमें दो फिगर ऑफ स्पीच बताई जा रही हैं, सिमिलीज एंड मेटाफर्स. सिमिली क्या होता है बच्चों, अ सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच. ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये फिगर ऑफ स्पीच है. इन विच टू अनलाइक थिंग्स, अनलाइक थिंग्स मतलब जो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें होती हैं जिनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं होती, आर कंपेयर्ड यूजिंग लाइक और एज. दो अलग अलग चीज़ें, ओके, वो कंपेयर की जाती हैं कैसे, यूजिंग लाइक और एज. सो अ मेटाफर इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स. वो डायरेक्ट कंपैरिजन होता है दो अलग अलग चीज़ों में. यहाँ पर हम जब कंपैरिजन करते हैं तो हम कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं, लाइक और एज. मेटाफर इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन. सो चलिए ये पढ़ते हैं. आई एम राइटिंग अ लेटर टू किट. मैं किट को लेटर लिख रहा हूँ. बट आई एम हैविंग ट्रबल एक्सप्रेसिंग माई फीलिंग्स. लेकिन मुझे मेरी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में परेशानी हो रही है. तब उसकी फ्रेंड सजेस्ट कर रही है, वाई नॉट ट्राई अ सिमिली और अ मेटाफर. तुम कुछ सिमिली और मेटाफर ट्राई क्यों नहीं करते.
सो ये कहता है ओके हाउ अबाउट, ये कैसा रहेगा? यू आर लाइक माई रोज, आई पिक्ड यू. यू ग्रॉस स्टार्ट विथ, यू आर लाइक अ रोज, तुम रोज की तरह हो. सो ये यहीं पर लाइक यूज हो रहा है वर्ड, सो दे आर यूजिंग सिमिली हेयर. ओके चलिए आगे चलते हैं. बिकॉज आई एम एलर्जिक टू यू, यू विल डाई विदाउट वॉटर. नो, लेट्स ट्राई अ मेटाफर. अब मेटाफर ट्राई करते हैं. लेट्स सी, योर लिप्स आर टू फैट वॉर्म्स ऑन योर फेस. आपके जो लिप्स हैं वो ऐसे हैं जैसे दो मोटे मोटे कीड़े वॉर्म्स हों आपके फेस पर. ओ डियर, योर आईब्रोज आर टू कैटरपिलर्स स्नैपिंग टुगेदर. सो नो वन वॉन्ट्स टू बी कंपेयर टू अ बग और हैव देयर आईब्रोज कॉम्प्लीमेंटेड. आई हैव गॉट इट, लिसन. सो बच्चों, इस पेज पे क्या हुआ? वहाँ हुआ था सिमली का यूज, बिकॉज लाइक यूज हुआ था, यू आर लाइक अ रोज. और यहाँ यूज हो रहा है मेटाफर का, बिकॉज वो लिप को कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? टू फैट वॉर्म से, और आईब्रोज को टू कैटरपिलर स्नैपिंग टुगेदर. लेकिन यहाँ कोई भी लाइक और एज वर्ड का यूज नहीं हो रहा है. सो स्टूडेंट, दिस इज स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ सिमली एंड मेटाफर. चलिए आगे चलते हैं. नाउ वी हैव स्टोरी राइटिंग हेयर. और अब आपको पता है बच्चों कि स्टोरी होती क्या है. स्टोरी इज अ डिस्क्रिप्शन, एक डिस्क्रिप्शन होता है ऑफ इमेजिनरी पीपल एंड इवेंट्स का, विच इज रिटन और टोल्ड इन ऑर्डर टू एंटरटेन. स्टोरी लिखी जाती है बच्चों एंटरटेन करने के लिए. आपके इमेजिनरी पीपल होते हैं, उसमें इवेंट्स होते हैं. ओके सो ये होती है एक स्टोरी. अब कुछ टिप्स होती हैं स्टोरी को लिखने के लिए. योर स्टोरी शुड हैव अ बिगनिंग, मिडिल और एन एंड. आपकी स्टोरी में बिगनिंग भी होनी चाहिए, शुरुआत होनी चाहिए, मिडिल होना चाहिए और उसका एक एंड भी होना चाहिए. यूज डायरेक्ट स्पीच एंड द इनडायरेक्ट स्पीच व्हेन द कैरेक्टर्स टॉक. जब कैरेक्टर आपकी स्टोरी में बात कर रहे हो तो आप डायरेक्ट स्पीच का भी यूज़ करो और इनडायरेक्ट स्पीच का भी. रीड द आउटलाइंस एंड अरेंज द पॉइंट्स इन प्रॉपर ऑर्डर. आपको आउटलाइंस रीड करनी है और प्रॉपर ऑर्डर में पॉइंट्स को अरेंज भी करना है. फाइंड आउट हु इज द मेन कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर कौन है एंड फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट द स्टोरी. और स्टोरी को आपने कहाँ से स्टार्ट करना है ये भी आपको पता लगाना है. ओके आपकी स्टोरी में मेन कैरेक्टर कौन है और आपने उसे स्टार्ट कैसे देनी है. अदर कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स विल टर्न आउट टू बी अ कनेक्टेड पीस ऑफ रीडेबल कॉम्पोजिशन. फिर जैसे जैसे रीडर उसे पढ़ता जाएगा, दूसरे कैरेक्टर्स और इवेंट्स भी उसमें ऐड होते जाएंगे. तो कहीं भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि स्टोरी पढ़ते हुए कहीं से कुछ बीच में ब्रेक हो गया है. आपको पॉइंट टू पॉइंट उसको जोड़ते जाना है. इंट्रोड्यूस डायलॉग्स वेयर एवर पॉसिबल इन द इवेंट्स. इवेंट्स में जहाँ भी पॉसिबल हो आपको डायलॉग्स को इंट्रोड्यूस करना है. जैसे कि लुक एट द आउटलाइंस गिवन बिलो. यहाँ पर कुछ आउटलाइन मतलब कुछ हिंट दिया हुआ है. जैसे कि अ मैन हायर्ड अ डोंकी एंड इट्स ओनर टू कैरी गुड्स. वेरी हॉट डे दे स्टॉप्ड ऑन द वे. द मैन सेट डाउन इन द शेडो ऑफ द डोंकी. ओनर डिमांडेड एक्स्ट्रा मनी. क्वारल. द डोंकी रैन अवे. नाउ रीड दिस आउटलाइन इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी. अब स्टोरी है ये हमारे पास. A man hired a donkey. एक मैन ने एक डोंकी किराए पर लिया. And its owner to carry a heavy load. और उसके मालिक को भी किस लिए? हैवी लोड कैरी करने के लिए. It was a hot summer day. Okay, गर्मियों का गर्म दिन था. And they had to cross a desert. और उन्हें रेगिस्तान पार करना था. Since they had to travel a long way, क्योंकि उन्हें बहुत लंबा जाना था, they decided to take some rest. उन्होंने कुछ rest करने का decide किया. There was no shade for them to sit and relax. वहाँ पर कोई भी बैठने और आराम करने के लिए कोई भी shade वाली जगह नहीं थी. मतलब सब तरफ धूप ही धूप थी, छाया नहीं थी. The man had an idea. आदमी को एक idea आया. And he sat down in the shadow of the donkey. और वो जो donkey बैठा हुआ था उसकी shadow में बैठ गया. At this, the owner of the donkey became angry. अब इस बात पर जो owner था donkey का, जो मालिक था donkey का, वो गुस्सा हो गया. He said, उसने कहा, friend, दोस्त, you hired only the donkey. तुमने सिर्फ donkey को hire किया है.
एंड नॉट इट्स शेडो, इसकी शेडो को नहीं, इसकी परछाई को नहीं. यू मस्ट पे फॉर इट, तुम्हें इसके लिए पैसे देने चाहिए. बट द शेडो गोज विद द डोंकी, लेकिन शेडो तो डोंकी के साथ ही चलती है. रिप्लाइड द मैन, उस आदमी ने आंसर दिया, सो आई कैन यूज़ बोथ ऑफ देम, तो मैं दोनों को यूज़ कर सकता हूँ. द ओनर ऑफ द डोंकी डिड नॉट अग्री, वो नहीं माना. दे स्टार्टेड क्वारलिंग, क्वारलिंग मतलब बच्चों झगड़ा करना. उन्होंने झगड़ा करना शुरू कर दिया एंड द डोंकी रैन अवे, और डोंकी भाग गया. डोंकी किसे कहते हैं बच्चों? गधे को. ओके, तो थी ना इंटरेस्टिंग सी स्टोरी. चलिए अब आपको भी इन आउटलाइंस को स्टोरी में बदलना है. आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों? आपकी बिगनिंग, मिडिल, एंड. आपकी स्टोरी में कौन कौन से मेन कैरेक्टर हैं, कौन से दूसरे कैरेक्टर्स हैं, आप उस स्टोरी में कैसे इंटरेस्टिंग इवेंट्स डालते हो, और वो सारे इवेंट एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए. ऐसा नहीं कभी कुछ पढ़ रहे हैं, कभी कुछ पढ़ रहे हैं. पॉइंट टू पॉइंट आपको अपनी स्टोरी को एंटरटेनिंग बनाना है. सो ये हैं आउटलाइंस. रिसीव्ड मैनी गिफ्ट्स ऑन बर्थडे, कॉमिक्स, फुटबॉल, शूज, सेट ऑफ सिक्स पेन्स एंड वन डजन स्पेशल पेंसिल्स. Felt proud, wish to show my friends in school. Mother said to my gifts, did not listen, secretly carried all to school. Pages of comics came off, football got punctured, pencil box stolen with all the pens and pencils. If only I had listened to my mother's advice. So bacho, aapko is इन hint से ही आपको भी hint मिल गया होगा कि आप एक entertaining story कैसे लिख सकते हो. ओके, सो प्लीज़ आपको ये स्टोरीज लिखनी हैं. नाउ द सेकेंड वन इज अ कैप सेलर, कैप बेचने वाला, फेल एस्लीप अंडर द ट्री. मंकीज टुक आउट द कैप्स, वोर देम. द कैप सेलर ट्राइड मैनी ट्रिक्स बट फेल्ड, थ्रू डाउन हिज ओन कैप, मंकीज डिड द सेम. सो आपको इन दोनों आउटलाइन से दो स्टोरीज बनानी है. ओके, now the third one is a tortoise was unhappy, every day grass drank, life is boring. He said to himself, I only eat, drink and walk about. He looked at the and wanted to fly. He asked the crow to teach how. The laughed, how can fly without, he said. ओके बच्चों, तो आपको प्लीज़ इन आउटलाइंस से ये स्टोरीज अपने नोटबुक में लिखनी हैं. ओके, चलिए आगे चलते हैं. एंड द टॉपिक इज राइटिंग अ लेटर, लेटर लिखना. चलिए बच्चों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज का, और हमें ये बहुत काम भी आता है हमारे पूरी लाइफ में. तो अ लेटर, कि पहले तो आप मुझे बताइए लेटर क्या होता है. जो हम चिट्ठी लिखते हैं लेटर लिखते हैं. अब यहाँ पर मैं आपको दो तरह के लेटर्स लिखने सिखाऊंगी. अ लेटर इज़ डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ राइटिंग दैट गिव्स द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन. जो पूरी इन्फॉर्मेशन देता है वो होता है लेटर. ओके, सो जब हम किसी को किसी चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं, वो सब आता है लेटर के अंदर. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर. सबसे पहले बच्चों हम करेंगे फॉर्मल लेटर. अब फॉर्मल लेटर हम लिखते हैं ऑफिशियल बॉडीज़ को, जिनके साथ हमारे रिलेशंस फॉर्मल होते हैं, जैसे किसी एडिटर को या अपने प्रिंसिपल को या किसी ऑफिसर को. ओके, सो फॉर्मल लेटर्स आर रिटन टू ऑफिशियल बॉडीज़, स्कूल्स, कॉलेजेस एट्सेट्रा, टू मेक रिक्वेस्ट और कंप्लेंट्स. जब हमने किसी चीज़ के लिए उनसे रिक्वेस्ट करनी होती है या कोई कंप्लेन करनी होती है, तब हम लिखते हैं फॉर्मल लेटर्स. दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ अ फॉर्मल लेटर. लुक एट द फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मल लेटर, द लेबल्ड पार्ट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड इट बेटर. चलिए देखते हैं, ये है हमारे फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट. सो इसमें हमें सबसे पहले क्या लिखना है? अब हम अगर कोई लेटर लिख रहे हैं, मान लीजिए मैं लिख रही हूँ लेटर, तो यहाँ पर मैं अपना सबसे ऊपर एड्रेस लिखने वाली हूँ, एड्रेस ऑफ सेंडर. फिर यू विल लीव वन लाइन एंड यू विल पुट द डेट. देन यू लीव वन लाइन एंड यू विल राइट द एड्रेस ऑफ रिसीवर, जिसको आप
लेटर लिख रहे हो। जैसे लेटर हम लिख रहे हैं द प्रिंसिपल सनशाइन स्कूल 41 ग्लोब कंट्री सेक्टर 132 नोएडा, हमने यहाँ पर एड्रेस लिखा। फिर हम एक लाइन छोड़ेंगे और हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कि हम किस बारे में ये लेटर लिख रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर लीव, सो मैं लिख रही हूँ एप्लीकेशन फॉर लीव। सर, ये होता है सैल्यूटेशन, कि हम किसे लेटर लिख रहे हैं, वो हमारे सर हैं, मैम हैं, कौन है। सर, दिस इज़ टू रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी 2 days लीव ऑफ एब्सेंस फॉर 17th and 18th April एज आई हैव टू अटेंड माई ग्रैंड फादर्स बर्थ सेंटेनरी सेलिब्रेशन। ओके, सो यहाँ पर ये होती है हमारे लेटर की बॉडी, जो भी कंटेंट हम बॉडी में लिखते हैं, एंड लास्ट में थैंकिंग यू। सो बच्चों, आपको याद रखना है, सबसे ऊपर आप लिखोगे सेंडर एड्रेस, यू विल लीव वन लाइन, देन यू विल पुट द डेट, आप डेट डालोगे, फिर आप लिखोगे रिसीवर एड्रेस, उसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे और सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे आप किसे लेटर लिख रहे हैं, सर, मैडम, जो भी हैं वो, और फिर आप लिखेंगे बॉडी, एंड इन द लास्ट यू विल राइट थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली। ये है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, कि अब आप लेटर को क्लोज कर रहे हो, अपना नाम लिखेंगे या सिग्नेचर डालेंगे, एंड देन यू विल राइट द क्लास। सो डू नॉट यूज अ कॉमा आफ्टर द सैल्यूटेशन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। सो ना आपने यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग के आगे कॉमा लगाना है और ना ही आपने सैल्यूटेशन के आगे कॉमा लगाना है। तो ये आपको याद रखना है कि आपने इन दोनों जगह के आगे कॉमा नहीं लगाना है, ठीक है। सो अब मैं आपको बताने वाली हूँ बच्चों इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स हम लिखते हैं ऑफिशियल पर्सन्स को, प्रिंसिपल्स को, एडिटर्स को, जहाँ हमें कोई कंप्लेंट करनी होती है या फिर हमें कोई रिक्वेस्ट करनी होती है। इनफॉर्मल लेटर, वी राइट इनफॉर्मल लेटर्स टू आर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। जो लेटर हम अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, रिलेटिव्स को लिखते हैं, वो होते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। सो द लैंग्वेज इज़ पर्सनल, इसमें जो लैंग्वेज होती है वो पर्सनल होती है, मतलब हम इसमें उनसे कुछ भी अपना प्यार दिखा सकते हैं, कोई डिमांड भी कर सकते हैं। सो गिवन बिलो आर द पार्ट्स ऑफ द इनफॉर्मल लेटर। सो आगे यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर का एग्जाम्पल है, इसमें आपको रिसीवर का एड्रेस नहीं लिखना है। यू विल राइट द एड्रेस ऑफ सेंडर, देन यू विल लीव वन लाइन एंड पुट अ डेट, आप डेट डालोगे, उसके बाद आप सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग, जैसे आप इसमें लिख सकते हैं डियर मामा, डियर पापा, डियर आंट, डियर ब्रदर, डियर फ्रेंड, ओके। सो इस तरह से आप ग्रीटिंग करते हुए लेटर को स्टार्ट कर सकते हो। ये है आपकी बॉडी, थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग मी सच अ ब्यूटिफुल वॉच ऑन माई बर्थडे, आई रीच्ड एब्सोल्यूटली ऑन टाइम, इट रीच्ड एब्सोल्यूटली ऑन टाइम, इट फिट्स मी परफेक्टली एंड इट्स ऑफ माई फेवरेट कलर्स टू, आई हैड ऑलवेज वॉन्टेड अ रिस्ट वॉच, मुझे हमेशा से एक रिस्ट वॉच चाहिए थी, एंड नाउ यू हैव गिवन मी वन, आई विल वेयर इट टू स्कूल एवरी डे, इट विल ऑल्सो हेल्प मी टू ऑलवेज बी ऑन टाइम फॉर द स्कूल, आई विल कीप इट वेरी केयरफुली, इनडीड माई ड्रीम हैज कम ट्रू, प्लीज़ गिव माई रिगार्ड्स टू अंकल। अब यहाँ पर भी आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करेंगे, कैसे, योर्स अफेक्शनेटली, योर लविंग सन, योर लविंग फ्रेंड, इस तरह से आप लिख के क्लोजिंग कर सकते हो, ठीक है। और फिर आपके सिग्नेचर या फिर आपका नाम आ जाएगा यहाँ पर, ओके बच्चों। चलिए अब ये कुछ आपको मैं लेटर्स के एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, ओके। आपको ये लेटर्स अपने नोटबुक्स में एज अ प्रैक्टिस लिखने हैं, फॉर्मेट आपके पास है जिसे मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो राइट एन इनफॉर्मल लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग योर बर्थडे पार्टी एट अ हिल स्टेशन। आपकी हिल स्टेशन पर जो बर्थडे पार्टी हुई थी, आपने उसके लिए अपने फ्रेंड को इनफॉर्मल लेटर लिखना है। Write a letter to your cousin in America describing him or her about your ancestral house. So, आपके जो ancestral house, जो आपके पुरखों का घर है,
उसके बारे में आपने अपने कज़न को अमेरिका में लेटर लिखना है. इंस्पायर्ड बाय मोर ट्रीज कूलर प्लैनेट क्लीनर एयर, मतलब ज़्यादा मोर ट्रीज ज़्यादा पेड़, मतलब कूलर प्लैनेट क्लीनर एयर. यू वॉन्ट टू प्लांट ट्रीज इन योर कैंपस, आप अपने कैंपस में ट्रीज लगाना चाहते हो. सो आपको अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखना है बच्चों, सीकिंग हिज और हर परमिशन एंड सपोर्ट. आपने क्यों लिखना है उन्हें लेटर? उनके सपोर्ट और उनकी परमिशन लेने के लिए. सो ये कौन सा लेटर होगा? ये होगा फॉर्मल लेटर, बिकॉज आप इसे अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हो. ठीक है. राइट अ लेटर टू द ओनर ऑफ अ रेस्टोरेंट कंप्लेनिंग अबाउट पुअर सर्विस. आप किसी रेस्टोरेंट में गए और वहाँ आपको सर्विस मिली पुअर, तो आप उसके ओनर को कंप्लेनिंग लेटर लिखेंगे. तो ये कौन सा लेटर हुआ? फॉर्मल. ओके, ये कौन सा लेटर हुआ बच्चों? प्रिंसिपल को लिखना है, फॉर्मल. ये कौन सा हुआ? इनफॉर्मल, क्योंकि ये आपको अपने फ्रेंड को लिखना है, और ये भी इनफॉर्मल, ये आपने अपने कजन को लिखना है. ओके, सो प्लीज आप प्रैक्टिस करें इन लेटर्स की, अपने नोटबुक में लिखें. जैसे आपको यहाँ फॉर्मेट दिया हुआ है उसी की तरह से आप लिखते चले जाएं. ओके, लेकिन जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको देनी है वो सब आपके टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए, आपको अपने टॉपिक से नहीं हटना है. इनफॉर्मल लेटर में आप कुछ पर्सनल बातें कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फॉर्मल लेटर में आप वही बात करेंगे जो बात आप जिस बात के लिए आप वो लेटर लिख रहे हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे.